वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वीयू के स्मार्ट एलईडी के बारे, जो कि 32 इंचेस में है। ये देखिए, इसका रिमोट सबसे पहले हम देखेंगे और हम इसे पावर ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, ये वीयू की कैलिफोर्निया एंड्रॉयड टीवी मॉडल है, फुल एचडी में 2K। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो पहले सबसे पहले हम इसे ऑन होने देते हैं। ये देखिए, ये इसका रिमोट है जो कि बहुत ही बढ़िया है। इसकी रेंज भी बहुत बढ़िया है, अगर हम रूम में दूसरी साइड से भी यूज़ करें तो ये चल पड़ता है। आज तक कभी इसने हमें दिक्कत नहीं दी। कुछ थोड़े से ड्रॉबैक हैं इसके, वो मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊंगा। पहले हम इसके जो उनसे प्रोज हैं उसकी बात करेंगे, फिर हम इसके कॉन्स की बात करेंगे। सबसे पहले प्रोज की बात करें तो इसकी ब्राइटनेस बहुत ही बढ़िया है। अगर हम इसकी डिस्प्ले क्वालिटी देखें तो वो भी बहुत ही बेहतरीन है। इसमें आपको HDR10 का भी सपोर्ट मिलता है। अगर ये देखिए, मैं इसके आपको मॉडल नंबर बताऊं, ये देखिए, ये देखिए मॉडल नंबर स्मार्ट 2K84B। ये देखिए, शायद आपको दिख रहा हो, पर इसमें एक दो दिक्कत आ रही है। जैसे ये देखो, कभी कभार ये हैंग भी हो जाता है। जैसे मैं MI यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक मुझे कभी भी उसमें दिक्कत नहीं आई। थोड़ा सा लैग ज़रूर है उसमें, कभी कभार आ जाता है, पर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लैग है। ये हैंग हो जाती है, उसमें लैग है, ये हैंग करती है थोड़ी सी। पर डिस्प्ले क्वालिटी इसकी मुझे थोड़ी सी बेहतरीन लगती है MI के जो सा 4A मॉडल है उसके कंपैरिजन में। जी देखिए, मैं आपको कोई वीडियो दिखाता हूँ। जैसे ये पाकिस्तानी सीरियल है, जैसे मैं आपको फुल HD वीडियो दिखाता हूँ। इसमें पर वॉइस कंट्रोल नहीं है, ये भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसमें। हमें टीवी में वो ज़रूरी है वॉइस कंट्रोल, क्योंकि वॉइस कंट्रोल से बहुत ही हेल्प हो जाती है। इसमें टाइप करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे अभी मेरे पेरेंट्स हैं, MI को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर लेते हैं, पर इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाता है उन्हें को टाइप करते हुए। ये देखिए, इसकी आपको मैं डिस्प्ले क्वालिटी दिखाता हूँ कैसी है। ये देखिए, अगर हम इसे दूर से देखें तो आपको दिख ही रहा होगा डिस्प्ले क्वालिटी कितनी बढ़िया है। कलर्स थोड़ी सी सेचुएशन इसकी ज़्यादा है। कलर्स जो डिज़ाइन किया कंपनी ने बहुत ही बढ़िया है, पर आप उसे कम और ज़्यादा भी कर सकते हो, ब्राइटनेस ज़्यादा कर सकते हो, बैकलाइट ज़्यादा कर सकते हो। जैसे आपका टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप इसे डिस्प्ले को एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे बढ़िया बात बताऊं, ये देखिए, अगर हम इसके साउंड में जाते हैं, इसमें आपको डोल्बी का भी ऑप्शन मिलता है। ये देखिए, एक मिनट आपको दिखाता हूँ। जो सबसे बढ़िया फीचर है इसकी, जो सी आउटपुट है टीवी की, सिंपल। अगर आपके इसके स्पीकर्स तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, इसके लिए मैंने अलग स्पीकर्स लगाए हुए हैं। अगर हम इसके साउंड आउटपुट की बात करें, जो कि ये ओक से देता है, ये जो सा डोल्बी है उससे देता है, तो वो बहुत ही बेहतरीन आती है। इसका सबसे बड़ा ये है, इसमें आपको DTS स्टूडियो साउंड का ऑप्शन मिलता है, जो कि आपके वॉल्यूम को बहुत ही बढ़िया कर देता है। इसमें आपको सराउंड ऑप्शन भी है, ये देखिए। देखो, डॉल्बी डिजिटल प्लस भी है, इसमें आपको बाईपास है, PCM है, डॉल्बी डिजिटल सिंपल वाला है और प्लस भी है। इससे मैंने ऑटो पे किया हुआ, ये देखिए। इक्वलाइजर है, आप इसे जैसे मर्जी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये देखिए, स्टोरेज की बात करें,
वो इसकी इंटरनल स्टोरेज 8 GB की है। अगर हम इसके रिमोट के फीचर्स की बात करें, ये ऑन ऑफ आ गया, ये इनपुट आ गया, ये जो सी नंबरिंग दे रहे हैं ये किसी भी काम के नहीं है हमारे के लिए। ये आ गया फोटो मोड, आ गया एस मोड, आ गया इसमें आप प्रेस करो तो कुछ भी नहीं होता। ये सेटिंग्स का आ गया, डायरेक्ट सेटिंग्स में जाने के लिए ये आपका ऊपर नीचे, ओके, बैक, मेन मेन्यू, सर्च, वॉल्यूम अप डाउन, मीडिया पेन ड्राइव लगाएंगे तो मीडिया, उसके लिए म्यूट, चैनल अप डाउन जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी। सबसे बढ़िया ये भी फीचर है, नेटफ्लिक्स में अगर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ से आप अपने पिक्चर को आगे पीछे, पॉज, स्टॉप, कुछ भी कर सकते हो, प्ले भी कर सकते हो। ये हमारे शॉर्टकट आ गए, हॉटस्टार का आ गया, यूट्यूब का आ गया, प्राइम वीडियो का आ गया, गूगल प्ले का आ गया, नेटफ्लिक्स का आ गया। अगर थोड़ा सा आप ध्यान करेंगे, ये यूट्यूब का थोड़ा सा कलर फेड हो चुका है, ये देखिए। कोई बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी जो है मैंने आपको सारी रियलिटी बताई है। ये कोई भी पेड रिव्यू नहीं है, ये मेरा यूज़र एक्सपीरियंस है, वो भी 1 ईयर का। ये देखिए, इसका अगर मैं ड्रॉबैक की बात करूँ, मेरे जो उनसे MI की LED है 32:4A, उसमें हमें कभी ना कभी अपडेट आता रहता है। इसमें मैंने जब से लिया है इसमें एक भी अपडेट नहीं आया। ये देखिए, सिक्योरिटी पैच लेवल भी नवंबर 5, 2019 का ही है। जो कि अपडेट तो ज़रूरी होते हैं, कोई भी बग्स वगैरह होते हैं वो फिक्स होने चाहिए। जैसे अभी मुझे हैंगिंग के इशू आ रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर अपडेट में ही मुझे लगता है सही होगा। जैसे MI दे रही है बार बार अपडेट, तो मुझे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। ये देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक। अगर कोई सी भी चीज़, एयर कंडीशनर, गीज़र, वाटर प्यूरिफायर, LED, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ही खुला है, कुछ भी मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैंने आज चेक किया, सिर्फ 3% लोग जो उनसे मेरी वीडियो देखते हैं वो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ 99, 97% लोग मुझे सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे। तो भाई कर दो, अच्छा लगता है, और तो कोई बात नहीं। बाय बाय।